वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर टू के लिए तैयारी कर रहे हैं और अब लास्ट में हम अपने प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज हमारा ये प्रैक्टिस पेपर टू रहने वाला है, जिसमें हम फिर से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। एक वीडियो तो आज दिन में आ गई है ये आपके लिए, एक वीडियो आपके लिए शाम को या रात को भी अपलोड होगी, जिसमें हम फिर से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे सीटेट साइंस के लिए, तो वो हमारा प्रैक्टिस पेपर थ्री हो जाएगा वहाँ पर। कल को हम प्रैक्टिस पेपर फोर देखेंगे और साथ में जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक रह गए थे, जैसे हमने 27 क्लास में अपनी पूरी थ्योरी जो है वो कंप्लीट की है, प्लेलिस्ट में आपको लिंक दिख जाएगा। और किसी भी बच्चे को थ्योरी का लिंक नहीं मिल रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में मैम को कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ भी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी। बाकी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारा जो लेटेस्ट थ्योरी कराई है 27 क्लास में वो मिल जाएगी, सारी एक ही क्लास में जो पैडागॉजी मर्ज करा दी है वो भी आपको दिख जाएगी, पूरी पैडागॉजी की थ्योरी, और साथ में जितने प्रीवियस ईयर हैं सीटेट साइंस के वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन आपको कर रखे हैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे तो आपको सब मिल जाएंगे, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं कराई गई है। और अगर आपको कुछ नहीं मिल पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप मैम को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने कम्युनिटी टैब में आपको पूरा भेजा था कि आप मैम को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं बच्चों के मैसेज जो हैं उनके रिप्लाई कर देती हूँ। और किसी को इंस्टाग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, मैं पर्टिकुलर उनको इंस्टाग्राम का लिंक भेज दूंगी जहां से आप मैम को फॉलो करके वहां पर भी सिर्फ स्टडी रिलेटेड कोई भी इशू है तो वो वहां पर पूछ सकते हैं, मैं वहां पर भी बच्चों के रिप्लाई जो है वो कर देती हूं अगर उन्हें कोई भी इशू होता है स्टडी से रिलेटेड। तो मैंने आपको आज का और कल का पूरा शेड्यूल बता दिया कि आज हम दो प्रैक्टिस सेट करेंगे, कल एक मॉर्निंग में प्रैक्टिस सेट आएगा और कल नाइट में जो हमारी रिमेनिंग थ्योरी रह गई है जिसमें बॉडी मूवमेंट हैं और छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो उनको एक ही क्लास में मैं सारा कवर अप करा दूंगी, क्योंकि मैं इस बार बिल्कुल नहीं चाहती कि आपका एक भी क्वेश्चन आप जब वहाँ देखें तो आपको ऐसा लगे कि हमने ये नहीं पढ़ा था। तो पूरा कंटेंट आपका पढ़ा हुआ ही वहाँ पर आपको दिखेगा, थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने कंटेंट अच्छे से पढ़ा है, प्रीवियस ईयर अच्छे से देखे हैं, तो हो ही नहीं सकता कि आप किसी भी तरह के क्वेश्चन का आंसर ना कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक्स एंड वाई वर गिवन वन मिरर ईच बाय देयर टीचर। टीचर ने एक एक मिरर दिया, एक्स और वाई दो स्टूडेंट हैं। एक्स फाउंड हिज इमेज टू बी इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज। जब एक्स ने अपनी इमेज को, अपनी छवि को मिरर में देखा तो वो कैसी बनी? इरेक्ट बनी, सीधी बनी और सेम साइज की बनी, सेम आकार की बनी। वेयर एज वाई जो है फाउंड हर इमेज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। वाई की इमेज कैसी बनी, छवि कैसी बनी? वो भी सीधी बनी लेकिन स्मॉलर इन साइज थी। दिस मीन्स दैट द मिरर ऑफ एक्स एंड वाई आर रेस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है एक्स और वाई जो दो स्टूडेंट हैं उनको टीचर ने कौन कौन से मिरर दिए। एक्स और वाई को उनके शिक्षक द्वारा एक एक दर्पण दिया गया, मिरर को दर्पण बोलते हैं। एक्स ने अपनी छवि को उसी आकार का और सीधा पाया, उसी आकार की बनी और सीधी बनी, जबकि वाई ने उसकी छवि का आकार तो सीधा था लेकिन उसको छोटा पाया। इसका अर्थ है कि क्रम से एक्स और वाई के पास कौन से दर्पण हैं, कौन से मिरर हैं, ये हमें बताने हैं। देखिए, जिस मिरर में आप अपना फेस देखते हैं तो आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो आपकी छवि बनती है, इमेज बनती है, वो कैसी बनती है? सीधी ही बनती है। ऐसा तो नहीं है कि आप टेढ़े मेढ़े दिखाई देने लगते हैं, बिल्कुल इरेक्ट दिखाई देते हैं। जैसा आप दर्पण के बाहर दिख रहे हैं वैसा ही आप दर्पण में दिखते हैं, मिरर में दिखते हैं। और वो कौन सा मिरर होता है जिसमें आप अपना फेस देख रहे होते हैं? वो आपका प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण में आपकी इमेज इरेक्ट बनती है और सेम साइज़ की बनती है, समान आकार की बनती है। जबकि वाई तो एक्स के पास तो हमें पता चल गया कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, ऑप्शन ए और सी में यहाँ पर दे रखा है। अब हमें बताना है वाई के पास कौन सा मिरर है। देखिए, मैंने पढ़ाया था जब इमेज तो आपकी इरेक्ट बननी है, सीधी बन रही है, लेकिन जब वो छोटी बनती है, स्मॉलर इन साइज बनती है, तो वो आपका कौन सा दर्पण होता है, कौन सा मिरर होता है? वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। जबकि अगर मैं अवतल दर्पण की बात करूँ, कॉनकेव मिरर की बात करूँ, तो इसमें जो इमेज बनती है वो आपकी छवि जो बनती है वो कैसी बनती है? उल्टी बनती है। और जितना आप पास आते हैं वो इमेज कैसी होती चली जाती है? बड़ी होती चली जाती है। और जितना आप दूर जाते हैं इमेज जो आपकी छवि है वो उल्टी तो रहेगी लेकिन छोटी हो जाएगी। याद रखिएगा, पीछे जाते हैं तो उल्टी और छोटी हो जाती है और पास आते हैं तो इमेज उल्टी तो रहेगी लेकिन वो कैसी होने लगती है? बड़ी होने लगती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा पास आते हैं तो इमेज इरेक्ट बन जाती है और इमेज सीधी भी हो जाती है। और कॉनकेव, ये जो कॉनकेव मिरर है ना अवतल दर्पण, इसमें जो इमेज बनती है वो आपकी दोनों बनती है, रियल भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है। लेकिन जो उत्तल दर्पण है ना,
उसमें जो इमेज बनेगी, छवि बनेगी, वो हमेशा आपकी कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, आभासी बनती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू यूज वाटर इकोनॉमिकली, निम्न में से कौन सा पानी के आर्थिक रूप से उपयोग करने का एक तरीका है। यहाँ पर बात हो रही है पानी का आर्थिक रूप से उपयोग करने का तरीका, यूज वाटर इकोनॉमिकली, वो तरीका हमें बताना है। पहला ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ बोरिस, बोरिस का निर्माण करना, इसमें वाटर का स्टोरेज होता है, यहाँ पर यूसेज की बात हो रही है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जहाँ पर पानी का हम संग्रहण करते हैं, स्टोर कर कर रखते हैं, ठीक है, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हमें बताना है कि आर्थिक रूप से पानी को यूज करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, जहां पर हम संग्रहण कर रहे हैं तो वहां पर तो पानी स्टोर होगा, तो ये आंसर भी नहीं होगा। ड्रिप इरिगेशन, जी हां, जब हमने पढ़ा था ड्रिप सिंचाई, वहां पर क्या होता है, पौधों को बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है और इससे क्या होता है, पानी की बहुत ज्यादा बचत होती है। तो इकोनॉमिकली यूज ऑफ वाटर का सबसे अच्छा मेथड कौन सा हो जाएगा, ड्रिप इरिगेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही यहां पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, चूज द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्युत फ्यूज के बारे में गलत है। हमें यहां पर वो स्टेटमेंट कथन बताना है जो विद्युत फ्यूज के बारे में गलत है। फ्यूजेज आर इंसर्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ ऑल बिल्डिंग, जी हाँ, जितने भी हमारे भवन होते हैं उनका जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, विद्युत परिपथ होता है, उनमें फ्यूज लगाए जाते हैं, क्योंकि वही आपका इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत है उसके प्रवाह, उसके फ्लो को मेंटेन करता है। अगर प्रवाह ज्यादा हो जाता है तो फ्यूज वहां पर उड़ जाता है, तो सारे भवनों में इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के डैमेज होने से बचाने के लिए फ्यूजेज जो होते हैं वो लगाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन तो सही है। देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट, जी हाँ, जो हमारा विद्युत परिपथ है उसमें जो करंट है उसके प्रवाह होने की एक मैक्सिमम लिमिट है, अधिकतम सीमा है। अगर उससे ज्यादा करंट जो है प्रवाह हो, उसका प्रवाह होगा, उसका फ्लो होगा, तो आपका जो करंट है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में नहीं चलेगा, फ्यूज उसको क्या कर देगा, इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर देगा। करंट के प्रवाह की एक अधिकतम सीमा होती है, जी हाँ, जो विद्युत परिपथों से सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सकती है, जी हाँ, एक ऐसी लिमिट है मैक्सिमम, उससे ज्यादा करंट जो है आपके विद्युत परिपथ जो है उसमें सुरक्षित रूप से परिवाहित नहीं हो सकता, परिवाहित होने के लिए उसकी एक अधिकतम सीमा होती है, तो ये ऑप्शन भी सही है। देयर इज अ मिनिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, यही ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएगा। न्यूनतम सीमा कोई नहीं होती, मैक्सिमम होती है, विद्युत पर सुरक्षित रूप से प्रवाहित होने की धारा की न्यूनतम सीमा होती है, जी नहीं, आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में विद्युत परिपथ में मिनिमम कितना भी करंट हो वो फ्लो कर जाएगा, मिनिमम कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट होती है, उसके बाद ही आपका जो सर्किट होता है, परिपथ होता है, वो ब्रेकडाउन होता है। तो यही ऑप्शन यहां पर गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी, कि न्यूनतम सीमा होती है करंट की जो वो जो कि नहीं होती, जो कि हमारी सेफली फ्लो करती है इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो ये ऑप्शन यहां पर गलत है। बाकी इफ अ प्रॉपर फ्यूज इज इंसर्टेड इन अ सर्किट, अगर एक परिपथ में फ्यूज सही तरीके से लगा है, इट विल ब्लो ऑफ इट करंट एक्सीड द सेफ लिमिट, जी हाँ, यदि एक सर्किट में उचित फ्यूज लगाया गया है तो यह सुरक्षित सीमा से अधिक होने पर उड़ जाएगा, जी हाँ, जगह जैसे ही ये मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस करेगा तो आपका सर्किट क्या होगा, वो उसमें जो फ्यूज लगा है वो उड़ जाएगा, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर थ्री ही यहाँ पर सी ही गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी होती हैं, CO2 और ऑक्सीजन, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू टेक प्लेस इन, पोषक तत्वों का अवशोषण और श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान रक्त और ऊतकों के बीच में होता है। देखिए, हमने ह्यूमन हार्ट में पढ़ा था, जो हार्ट होता है आपका, यहां से देखिए जो आपकी धमनियां होती हैं वो क्या करती हैं, आपके शुद्ध रक्त को जिसमें ऑक्सीजन होता है वो आपकी बॉडी के अंदर लेकर जाती हैं, और कैपिलरीज यहां पर क्या करती हैं, ये बहुत ही पतली पतली नलियां होती हैं, क्वेश्चन ये भी बन सकता है सबसे पतली नलियां कौन सी होती हैं, वो आपकी कैपिलरीज ही होती हैं, ऑप्शन नंबर डी ही यहां पर सही होगा। कि कैपिलरीज क्या करती हैं, छोटी छोटी नलियां क्या होती हैं, ऊतक तो आपके जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, वहां तक जाती हैं, और जो आपकी ऑक्सीजन होती है उनकी गैस का क्या कर देती हैं, एक्सचेंज कर देती हैं, और फिर क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होने के बाद जो आपकी वेन होती हैं, जो शिरा होती हैं, वो आपके अशुद्ध रक्त को वापस ले जाती हैं आपके हृदय तक, आपके हार्ट तक, तो जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो तो शुद्ध रक्त को लेकर आती हैं, और ये जो अशुद्ध रक्त होता है वेन्स के माध्यम से, शिरा के माध्यम से वापस चला जाता है, और जो अशुद्ध रक्त है, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें CO2 होता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें O2 होता है, ऑक्सीजन होता है, तो ये जो गैस का एक्सचेंज हो गया बीच में किसके माध्यम से होता है, आपका कैपिलरीज के माध्यम से होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा, और यही आपकी सबसे छोटी ट्यूब्स होती हैं, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। टू स्टूडेंट वर आस्क टू प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम दूरी समय का ग्राफ बनाने के लिए कहा गया दो बच्चों से फॉर द मोशन, फॉर द गति, जो गति दिखाई गई है किसमें, टेबल ए और टेबल बी में, तो उसको लेकर एक ग्राफ बनाना है दूरी समय का, जो गति दिखाई गई है किसमें, टेबल ए और टेबल बी में। द ग्राफ गिवन इन द फिगर, जो ग्राफ यहाँ पर बनाकर दिखाया गया है इस ट्रू फॉर, वो ट्रू है किस टेबल के लिए ये हमें बताना है। अगर मैं टेबल ए की बात करूँ तो देखिए जीरो समय था तो जीरो डिस्टेंस था, जब समय 2 मिनट हुआ तो डिस्टेंस आपका 10 मीटर हो गया, और जब समय 4 मिनट हुआ तो डिस्टेंस आपका 20 हो गया, ऐसी जब 6 हुआ तो हर 2 मिनट के गैप से आपका डिस्टेंस 10-10 के हिसाब से बढ़ रहा है। तो समान समय में समान दूरी बढ़ रही है, 2 मिनट में 10, फिर अगले 2 मिनट में 10, तो जब समान समय में समान दूरी होती है तो वो गति कैसी हो जाती है, आपकी एक समान गति हो जाती है, और जो उसमें ग्राफ होता है वो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, सीधी रेखा वाला ग्राफ होता है। तो ये जो ग्राफ बना है वो टेबल ए के लिए बिल्कुल सही है। सेम ऐसे ही अगर मैं टेबल बी की बात करूं तो जीरो समय था तो जीरो डिस्टेंस था, जब समय 1 मिनट हुआ तो दूरी कितनी कवर हुई, 5 मिनट की, और जब समय 2 मिनट हुआ तो दूरी 10, जब समय 3 हुआ 3 मिनट तो 15, जब 4 हुआ तो 20, जब 5 हुआ तो 25 मिनट। इसका मतलब हर 1 मिनट पर कितने दूरी, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 5 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो यहां पर भी समान समय में समान टाइम में समान दूरी समान डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो इसके लिए भी जो ग्राफ बनेगा वो सीधी रेखा वाला होगा, स्ट्रेट लाइन वाला होगा। तो ये जो ग्राफ बना है ये जो दोनों टेबल हैं, टेबल ए और टेबल बी, दोनों के लिए ही सही है। और यही क्वेश्चन यहां पर पूछा था, द ग्राफ गिवन इन द फिगर, जो ये ग्राफ दिया है फिगर में वो ट्रू है, वो सत्य है किसके लिए, वो दोनों टेबलों के लिए सही है, टेबल ए और टेबल बी। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच स्टोर्ड यूरिन इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड पेशी नली, जिसके माध्यम से जो यूरिन है वो शरीर से बाहर निकल जाता है उसे क्या कहते हैं, ये हमने पढ़ा था, उसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यूरेथ्रा। मैं आपको समझा देती हूँ, किडनी क्या करती हैं, आपके जो यूरिन होता है, जो मूत्र होता है उसको प्रोड्यूस करती हैं, उसको बनाती हैं, उसके बाद जो आपका यूरिन है वो आपके किडनी से होते हुए इस तरह से यूरेटर ट्यूब होती हैं, दोनों मिलकर आपकी यूरेटर्स कहलाती हैं, इन यूरेटर्स ट्यूब से होता हुआ जो आपका यूरिन है वो आपका यूरिनरी ब्लैडर में आता है। ये देखिए यूरिनरी ब्लैडर, मूताशय जिसे बोलते हैं, यहाँ पर आपका जो यूरिन है वो आता है, स्टोर होता है, और यहाँ से जो यूरिन है वो आपकी बॉडी से नीचे एक ट्यूब के माध्यम से पास हो जाता है जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा था कि जो आपका स्टोर्ड यूरिन होता है वो बॉडी से बाहर निकलता है किसके थ्रू, वो आपका यूरेथ्रा के माध्यम से निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ईस्ट इज़ यूज्ड इन वाइन एंड बियर इंडस्ट्रीज बिकॉज इट रेस्पायर, शराब और बियर उद्योगों में ईस्ट, जिसे हम खमीर भी बोलते हैं, उसका उपयोग किया जाता है क्योंकि यह श्वसन करता है। देखिए जो ईस्ट होता है ये हमने पढ़ा भी था, यह ऑक्सीजन की प्रेजेंस में श्वसन नहीं करता है, और जब कोई जीव जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो श्वसन नहीं करता तो वो आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में श्वसन करते हैं, जैसे हम करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में श्वसन करते हैं, रेस्पायर करते हैं, लेकिन बहुत से जीव जैसे ईस्ट होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पायर नहीं करते, वो आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और जब वो इस तरह से करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो अल्कोहल बनाते हैं, इसलिए ही हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं कहां पर, वाइन और बियर की इंडस्ट्रीज में। तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये एनएरोबिकली एक तो रेस्पिरेशन कर रहे हैं और साथ में प्रोड्यूस क्या करते हैं, अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, अनएरोबिक रूप से शराब का उत्पादन करते हैं। आप डायग्राम में देखिए यहां पर मैंने बताया भी है, ग्लूकोज आपका भोजन होता है और जब ईस्ट क्या है भोजन के साथ रिएक्ट करते हैं वो भी बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या बनाते हैं, ये अल्कोहल बनाते हैं और साथ में CO2 और एनर्जी भी रिलीज करते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसिंग अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है। ऑक्सीजन ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनसाइड द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ऑक्सीजन होता है जीवों की कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज का विश्लेषण करता है, ये हमने पढ़ा था, जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनता है ऑक्सीजन उसके साथ विश्लेषण करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है और हमें एनर्जी मिलती है, तो हमारी बॉडी के इनसाइड ही होता है, तो ये बात तो सही है। फ्रॉग कैन ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज लंग्स, मेंढक जो होता है वो अपनी त्वचा
त्वचा के साथ साथ फेफड़ों से भी सांस लेता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। पानी के अंदर वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं और जब वो पानी से बाहर होते हैं तो वो अपने लंग्स फेफड़ों से सांस लेते हैं। इंसेक्ट हैव स्पायरिकल्स ऑन देयर लोअर सरफेस ऑफ द बॉडी, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। जब मैंने आपको कॉकरोच के बारे में बताया था तो वहाँ पर हमने पढ़ा था जो कॉकरोच होता है उसमें जो स्पायरिकल्स होते हैं वो उसकी साइड में होते हैं, ना कि लोअर सरफेस ऑफ द बॉडी, तो यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। कीड़ों में श्वसन रंध्र जो होते हैं स्पायरिकल्स होते हैं, जहाँ पर वो उनका एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है ऑक्सीजन CO2 वाला, शरीर की निचली सतह पर होता है। जी नहीं, शरीर की निचली सतह पर नहीं होता, शरीर की साइडों में होता है, तो यही ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। बाकी एक्सहेल्ड एयर हैज़ मोर परसेंटेज ऑफ CO2 देन इनहेल एयर, सांस लेने की तुलना में सांस बाहर निकालते समय CO2 का अधिक प्रतिशत होता है। जी हाँ, ये होता है, हम ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं और फिर जब वो ग्लूकोज के साथ ब्रेक डाउन हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी वहाँ से निकलती है, और जब सांस हमारी बाहर जा रही होती है, जब हम एक्सहेल कर रहे होते हैं, तो उसमें जो CO2 का परसेंटेज है वो मोर होता है देन इनहेल का, तो ये बात भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अ बस ट्रैवल 54 किलोमीटर इन 90 मिनट, द स्पीड ऑफ द बस इज, एक बस 90 मिनट में 54 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो बस की चाल बतानी है, हमें स्पीड बतानी है। देखिए यहाँ किलोमीटर और मिनट है, जबकि जो आंसर है वो आपके मीटर पर सेकंड में है, तो यहाँ हमें चेंज करना होगा स्पीड का। जो चाल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, जब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम को, तो जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है 54 किलोमीटर, और हमें उसे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम 1000 से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर में हो जाएगा, और जो समय है वो हमारा 90 मिनट है, 90 मिनट्स है, और उसे हमें सेकंड में करना है, तो हम उसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, 9 6 54 हो जाएगा, और ये 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा खाली कितना 10, तो आंसर हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो स्पीड होगी बस की वो कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल इन द सॉइल फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय द रूट इज इन द, देखिए जो रूट होती है जो एब्जॉर्ब करती है क्या वाटर और मिनरल को, तो वो कौन सी सॉइल है जहाँ पर रूट बड़ी आसानी से ज़्यादा अमाउंट में किसको एब्जॉर्ब कर पाती हैं, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर पाती हैं, ये हमें बताना है। मिट्टी में पानी और जो खनिज की उपलब्धता होती है वो जड़ों द्वारा अधिकतम अवशोषित होती है, जड़ें जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ से पानी और खनिज को अवशोषित करती हैं, कौन सी मिट्टी से अवशोषित करती हैं, ये हमें बताना है, कौन सी मिट्टी से अब्सॉर्ब करती हैं, तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए होराइजन। ये हमने सॉइल वाले चैप्टर में पढ़ा भी था, जो ए होराइजन होता है वो आपका टॉप सॉइल होती है और वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, उसमें ह्यूमस भी होता है, ह्यूमस होने की वजह से उसमें मिनरल्स होते हैं, वाटर बड़ी आसानी से उसमें से चला आ जाता है। ठीक है, तो वो रूट्स क्या है बड़ी आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो आपकी जड़ें होती हैं वो उसको बड़ी आसानी से अवशोषित कर लेती हैं, किसको, पानी और खनिज को, और वो सबसे ज्यादा कौन सी सॉइल में होता है, वो आपका ए, जो ए सेंसर स्थिति होती है वहां पर होता है ए होराइजन में, और इसे ही हम टॉप सॉइल बोलते हैं, शीर्ष मृदा भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर विल बी, यदि एक वस्तु को समतल दर्पण के सामने 0.5 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तो वस्तु और दर्पण के बीच बनी जो छवि होगी उसके बीच की दूरी कितनी होगी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019 में भी आया था, जो अभी लास्ट में हुआ था, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देखिए ये एक प्लेन मिरर है और आप यहाँ पर 0.5 मीटर की दूरी पर आप खड़े हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, तो जो इमेज बनेगी, जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा आपका प्लेन मिरर के समतल दर्पण के पीछे, वो भी उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर आप आगे होते हैं, तो जो इमेज बनेगी पीछे प्लेन मिरर के वो भी 0.5 मीटर की दूरी पर ही बनेगी। तो अब ये पूछ रहा है डिस्टेंस बताना है, वो हमें दूरी बतानी है किसके बीच में, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो बनी है मिरर के द्वारा, वस्तु और दर्पण के बीच में जो छवि बनी है उसकी दूरी कितनी होगी। देखिए यहाँ वस्तु है और छवि यहाँ पर बनी है, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 0.5 प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा आपका 1 मीटर, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, कौन से कथन यहाँ पर गलत हैं ये हमें बताने हैं। वेदरिंग इज अ फास्ट प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। अपक्षय जो होता है वो मिट्टी के निर्माण की एक तेज प्रक्रिया होती है, नहीं ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। वेदरिंग होता क्या है, जब पत्थर टूट के धीरे धीरे धीरे, जैसे नदी में बहते रहते हैं वहाँ पर टूट जाते हैं, टूट के धीरे धीरे बहते बहते जब मिट्टी का निर्माण करते हैं, तो वही आपका वेदरिंग होता है, अपक्षय होता है, और ये आपका एक स्लो प्रोसेस होता है, फास्ट प्रोसेस नहीं होता सॉइल फॉर्मेशन का।
तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा कि मिट्टी के निर्माण की तेज प्रक्रिया है, ये बात गलत हो गई। परकुलेशन ऑफ वाटर इज फास्टर इन सैंडी सॉइल, ये हमने पढ़ा था, जो बालू होता है, जो रेत होता है, वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता और पानी को बड़ी आसानी से अपने अंदर से बहा देता है, और वही आपका जब पानी बहता है तो वही आपका परकुलेशन कहलाता है। जो परकुलेशन ऑफ वाटर है वो फास्टर होता है सैंडी सॉइल में, जी हाँ ये बात सही है, बालू मिट्टी में जो पानी का बहाव होता है वो तेज होता है क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। लोमी सॉइल कंसिस्ट ऑफ सैंड क्ले एंड सिल्ट अलॉन्ग विद ह्यूमस, जी हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है, ये हमने पढ़ा था। जो हमारी जो दोमट मिट्टी होती है उसमें जो रेत होता है वो किसका, वो दोमट मिट्टी जो होती है उसमें रेत भी होता है, उसमें चिकनी मिट्टी भी होती है और उसमें गाद भी होता है और उसके साथ साथ उसमें ह्यूमस भी होता है। और ह्यूमस क्या होता है, जो प्लांट एनिमल का वेस्ट मटेरियल होता है वो सब आपका ह्यूमस होता है, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं। तो लोमी सॉइल में ये सब होते हैं, सैंड भी होता है, क्ले भी होता है, सिल्ट भी होता है और साथ में ह्यूमस भी होता है, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। टॉप सॉइल कंटेन द मिनिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमस, ये बात गलत हो गई। अभी हमने पीछे भी देखा था जो आपका ए होराइजन होता है उसे ही हम टॉप सॉइल कहते हैं, शीर्ष मृदा कहते हैं, उसमें जो ह्यूमस होता है वो न्यूनतम मात्रा में होता है, जी नहीं, उसमें जो ह्यूमस होता है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है और प्लांट उसे बड़े अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन गलत है वो पहला ऑप्शन गलत है और चौथा ऑप्शन गलत है, और ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर बी में है कि फर्स्ट एंड फोर, तो ये दोनों ही यहाँ पर गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 आर टेस्टिंग स्टार्च इन फूड वाइल टेस्टिंग स्टूडेंट डू मिस्टेक इन ऑब्जर्वेशन, जब वो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उनसे गलतियां हो गई, त्रुटियां हो गई, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स ऑफ द टीचर विल बी, तो उस समय जब उनसे गलतियां हुई तो टीचर किस तरह से रेस्पॉन्स करेगा बच्चों से, ये हमें बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कक्षा 7 के बच्चे भोजन में मंड का परीक्षण करते हैं, परीक्षण के समय भोजन अवलोकन में त्रुटियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो शिक्षक के द्वारा उपयुक्त क्या प्रक्रिया होगी, वो कैसे रिएक्शन करेगा, ये हमें बताना है। नॉट टू गिव अनदर चांस टू द स्टूडेंट, बच्चों को दोबारा परीक्षण का मौका नहीं देगा, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई, अगर बच्चों को मौका नहीं मिलेगा तो उनकी जो गलतियां हैं वो कैसे सुधरेंगी, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। टू पनिश स्टूडेंट, जब भी डांटना और धमकाने की बात आ जाती है तो वो ऑप्शन तो गलत हो ही जाता है, तो ये भी गलत हो गया। टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक एरर, जी हाँ टीचर जो है बच्चों की त्रुटियों को स्वीकार करेगा, उनको एक्सेप्ट करेगा और उनको और मौके देगा, तो ये बात तो यहाँ पर सही हो गई, टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक एरर, बच्चों की त्रुटियों को स्वीकार करना। टू अप्रिशिएट देयर अटेम्प्ट, उनके प्रयास की प्रशंसा करना, जी हाँ ताकि वो डिमोटिवेट ना हो, ताकि बच्चे ये ना समझे कि हमसे ये चीज नहीं होगी, उनकी प्रशंसा करना, उनके प्रयास की जो है हम प्रशंसा करेंगे, कि उनसे कहेंगे कोई बात नहीं आप दोबारा करिए, आपसे फिर से अच्छे से हो जाएगा, तो इस तरह से हम बच्चे को अप्रिशिएट करेंगे, तो यहाँ पर सी और डी दोनों के दोनों सही हो जाएंगे और ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर थ्री है, ऑप्शन नंबर टू है सॉरी। तो टीचर जो रेस्पॉन्स करेगा वो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर सी और डी के साथ करेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर टू में है, तो यही यहां पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटजी इज नॉट सुटेबल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्नर इन साइंस, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन रणनीति विज्ञान में शिक्षार्थियों के रूपात्मक आकलन के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है इससे क्वेश्चन बार बार बना है सीटेट में, तो ध्यान रखिए इस चीज़ को, रूपात्मक आकलन के लिए कौन सी रणनीति यहाँ पर विज्ञान में सही नहीं होगी, जब हम बच्चे का फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं ये हमें बताना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में टीचर बच्चों को बीच बीच में चेक करता रहता है, फीडबैक लेता रहता है, बच्चों की कमियों का पता लगाता रहता है कि बच्चा कहाँ वीक है, कहाँ कौन सी एक्टिविटी वो नहीं कर रहा है, और जबकि जो सम्मेटिव असेसमेंट होता है उसमें सबसे लास्ट में देखा जाता है, जैसे एग्जाम वगैरह हो गए तो वो ज्यादा अच्छा नहीं होता सम्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव में क्या होता है, एग्जाम नहीं होता बल्कि बच्चों के फीडबैक लिए जाते हैं, टीचर बच्चे को ऑब्जर्व, जो बच्चे को है ना टीचर ऑब्जर्व करता रहता है बच्चे को और देखता रहता है कि बच्चा कहाँ वीक है, क्या कमियां रह गई हैं, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है जो लगातार चलता रहता है पूरे अपना सेशन के एंड तक। तो हमें बताना है कौन सी स्ट्रेटजीज यहाँ पर सुटेबल नहीं है। जनरल राइटिंग, देखिए जो पत्रिका लेखन होती है इसमें बच्चे क्या करते हैं, अपने बारे में लिखते हैं कि आज उन्होंने क्या करा, एक तरह से डायरी राइटिंग होती है, तो ये भी बहुत अच्छा मेथड है फॉर्मेटिव असेसमेंट में जानने के लिए, तो ये तो सही होगा। फील्ड ट्रिप हो गया, क्षेत्र भ्रमण, क्षेत्र भ्रमण में क्या होता है, टीचर बच्चे को ऑब्जर्व करता है और जब टीचर बच्चे को ऑब्जर्व करता है तो बड़ी आसानी से टीचर पता लगा लेता है कि बच्चा कहाँ वीक है, कहाँ कमियाँ रह गई हैं, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक पार्ट है, तो ये भी सही है। टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट, ये आपका सम्मेटिव असेसमेंट में आता है, तो यही ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो हम सत्र के अंत में जो परीक्षण होते हैं वो हम नहीं लेंगे, उसमें क्या होगा बच्चे की जो कमियां हैं वो नहीं पता लग पाती, तो यही यहाँ पर गलत हो गया। बाकी कॉन्सेप्ट मैपिंग अवधारणा चित्रण भी यहाँ पर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो गया।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अ क्लास 7 टीचर रैप अ थिन पेपर स्ट्रिप टाइटली अराउंड अ आयरन रॉड। एक आयरन की रॉड लेता है टीचर और थिन पेपर को उसके ऊपर रैप कर देता है, लपेट देता है, एंड ट्राइज टू बर्न द पेपर, और पेपर को जलाने की कोशिश करता है विद कैंडल वाइल रोटेटिंग द आयरन रॉड कंटिन्यूअसली। आयरन रॉड को तो वो जिस पे पेपर लिपटा है उसको घुमाता रहता है कैंडल के पास और उसको जलाने की कोशिश कर रहा है, और साथ में बच्चों से ये क्वेश्चन भी पूछता है, डज इट बर्न, क्या ये जलेगी। विच प्रोसेस स्किल ऑफ द स्टूडेंट मे बी डेवलप्ड थ्रू दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से कौन से प्रोसेस स्किल बच्चे के अंदर डेवलप करने की कोशिश टीचर कर रहा है ये हमें बताना है। कक्षा 7 का जो एक शिक्षक है लोहे की किसी छड़ पर पतले कागज की पट्टी कसकर लपेटता है और छड़ को लगातार घुमाते हुए जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर रखकर कागज को जलाने का प्रयत्न करता है, क्या यह जल पाता है। इस विधि के द्वारा बच्चों के किस कौशल का विकास होने की संभावना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब ये एक्टिविटी हो रही है तो बच्चे ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, अवलोकन तो कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो सीधी सी बात है ऑब्जर्वेशन तो होगा। बच्चे साथ में परिकल्पना भी कर रहे हैं, हाइपोथेसिस भी कर रहे हैं कि उसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि टीचर ने यहाँ पर क्वेश्चन खुद पूछ लिया, डज इट बर्न, तो बच्चों को आंसर करना है। जब बच्चे को आंसर करना है तो बच्चा परिकल्पना करेगा, इमेजिनेशन करेगा, हाइपोथेसिस करेगा कि अच्छा ये जलेगी ये नहीं जलेगी, वैसे रियल में क्या होगा, वैसे ये जलेगी नहीं, क्योंकि जो आयरन रॉड है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, वो अच्छा कंडक्टर होता है, तो वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा जिसकी वजह से पेपर जल नहीं पाएगा, और वहाँ जो हवा है जब ये घुमा रहे होगे तो हवा भी चल रही होगी जिसकी वजह से भी पेपर नहीं जल पाएगा, तो वैसे तो ये बर्न नहीं करेगा, लेकिन इस एक्टिविटी से वो बच्चों के अंदर ऑब्जर्वेशन तो पक्का डेवलप होगी, हाइपोथेसिस भी डेवलप हो रही है, क्योंकि बच्चे परिकल्पना कर रहे हैं क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछा है डज इट बर्न। और साथ में अब बताना है ऑप्शन नंबर ए और सी में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा या क्वेश्चनिंग होगा। देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, अवलोकन, परिकल्पना और वर्गीकरण। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो टीचर ने खुद पूछ लिया है तो वो क्वेश्चनिंग स्किल डेवलप नहीं करना चाहता, बच्चों से पूछा क्या डज इट बर्न, तो बच्चों को आंसर देना होगा, क्लासिफिकेशन करना होगा, वर्गीकरण करना होगा। बच्चा बताएगा कि बच्चा ने बोला नहीं ये नहीं जलेगा, तो टीचर क्वेश्चन करेगा अच्छा क्यों नहीं जलेगा, तो बच्चे को तो आंसर देना है, तो क्वेश्चन स्किल डेवलप करने की यहाँ पर कोशिश टीचर नहीं कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन तो टीचर अपने आप खुद पूछ रहा है, वो बच्चों से क्या चाह रहा है, आंसर चाह रहा है, उनका वर्गीकरण चाह रहा है, वो चाह रहा है बच्चे क्लासिफाई करें, बताएं कि कैसे आयरन जो है वो कंडक्टर है, फिर उनको वो बताने की, फिर जब वो क्वेश्चन टीचर बार बार करता रहेगा तो बच्चे आंसर करेंगे कि वो नहीं अच्छा कंडक्टर है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो वो इस तरह से वर्गीकरण कर रहे हैं। तो याद रखिए ऑप्शन में कन्फ्यूज नहीं होना है, बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं इस वाली चीज़ में, तो याद रखिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और क्लासिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि टीचर ने क्वेश्चन खुद से पूछ लिया है, बच्चों को आंसर करना है, क्लासिफाई करना है, उनको बांटना है, वर्गीकरण करना है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो गया। इस तरह से हमारे ये आज के प्रैक्टिस सेट के 15 क्वेश्चन थे, और मुझे लगता है सारे क्वेश्चन आपको 15 के 15 बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम आगे बचे हुए 15 क्वेश्चन और देखते हैं, तो कुल मिलाकर इस तरह से हमारे ये 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन, हार्मोन इन आर बॉडी हेल्प अस टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वी आर एंग्री एम्ब्रेस्ड और वरीड। जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन तनाव समायोजन में हमारी मदद करता है। देखिए हमारी किडनी जो होती है, गुर्दे होते हैं, हमने पढ़ा था, उनके ऊपर एक ग्लैंड होता है, ग्रंथि होती है, जिसका नाम होता है एड्रेनल ग्रंथि। ये एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है, कुछ हार्मोन को सीक्रेट करता है जो मदद करते हैं किससे, एडजस्ट करने में, किस चीज़ को, तनाव को, क्रोध को, चिंता को, तो वो कौन सा हार्मोन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा, एड्रीनेलिन हार्मोन होता है। एड्रीनेलिन हार्मोन जो हमारा एड्रिनल ग्रैंड से निकलता है, जो किडनी के ऊपर होते हैं, और वही हमें स्ट्रेस से बचाने में मदद करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ डेफिनेट पाथ, अरेंज द फॉलोइंग प्लैनेट इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, निम्नलिखित ग्रहों को उनके परिक्रमा अवधि के आधार पर आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखिए सभी प्लैनेट सन का चक्कर लगाते हैं, तो हमें बताना है कौन कितने कम समय में सन का चक्कर लगा लेता है, और उसी को असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। देखिए जो सबसे कम समय लगता है ना, वो आपका बुध को लगता है, मरकरी को लगता है,
लगता है 88 डेज में वो पूरे सन का चक्कर लगा लेता है। उसके बाद आता है आपका वीनस, वीनस जिसे हम शुक्र बोलते हैं, ये 225 दिन लेता है पूरे सन का चक्कर लगाने में। तो पहला ऑप्शन तो असेंडिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 1 ही आ जाएगा। उसके बाद आपकी आएगी पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी आपकी 365 दिन लेती है। उसके बाद आपका आ जाएगा सैटर्न, और सबसे लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, यूरेनस आ जाएगा। और ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, पहले फर्स्ट हो गया, फिर फोर्थ हो गया, फिर सेकेंड हो गया और फिर थर्ड हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग टेबल। हमें इस टेबल को पढ़ना है और बताना है द ग्रुप इन विच द पार्ट ऑफ स्टेमेन एंड पार्ट ऑफ पिस्टल आर करेक्टली शोन इज, जिस समूह में पुंकेसर और स्त्री केसर के भाग सही सही दर्शाए हैं उस ग्रुप को हमें यहाँ पर बताना है। तो अगर मैं ग्रुप ए को देखूँ तो वही यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए पार्ट ऑफ स्टेमेन जो होते हैं ना, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर का, और प्रैक्टिस सेट में मैंने ये आपको अच्छे से डायग्राम से समझाया भी था। तो पार्ट ऑफ जो स्टेमेन होते हैं ना, वो तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए, और उसके अंदर क्या आते हैं आपके, एंथर और फिलामेंट आते हैं, पराग कोश और तंतु आते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है पुंकेसर के भाग कौन से होते हैं, पराग कोश और तंतु, और यही आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं आपके फ्लावर के। अगर मैं पार्ट ऑफ पिस्टल की बात करूं, स्त्री केसर की बात करूं, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के। कौन कौन से होते हैं, ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइली। और ये क्वेश्चन बना है कि स्त्री केसर के कौन कौन से भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका। तो ग्रुप ए ही यहाँ पर बिल्कुल सही है, और तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ यू केयरफुली डिग अ ग्रास प्लांट एंड ऑब्जर्व इट्स रूट्स एंड लीव, यू विल फाउंड दैट इट हैज़, यदि आप किसी घास के पौधे को सावधानीपूर्वक उखाड़कर उसकी जड़ों और पत्तियों का परीक्षण करते हैं तो आप पाएंगे इसमें क्या होता है। देखिए इसको थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, नोट्स में हमने नहीं पढ़ा था, यहाँ पर देख लेते हैं। दो तरह की रूट्स होती हैं, दो तरह की जड़ें होती हैं, एक होती हैं आपकी टैप रूट और एक होती हैं आपकी फाइब्रस रूट। टैप रूट को हिंदी में हम मूसलाधार जड़ें बोलते हैं, और फाइब्रस रूट जो होती हैं वो आपकी आपस्थानिक जड़ें होती हैं। टैप रूट क्या होती हैं, जिनमें जो जड़ें होती हैं ना, एक मेन जड़ होती है, बाकी छोटी छोटी ब्रांचेस जो हैं वो उसमें से निकली हुई होती हैं। जैसे आप मूली में देखेंगे तो एक तो मुख्य जड़ है और बाकी जो छोटी छोटी जड़ें हैं ना, वो उसी में से निकली हुई होती हैं, तो वो आपकी टैप रूट होती हैं। मूली, गाजर, शलजम, ये सब कैसे, किसके उदाहरण हैं, इनकी जड़ें कैसी हैं, इनकी जड़ें टैप रूट हैं, मूसलाधार जड़ें हैं। अगर मैं फाइब्रस रूट की बात करूँ तो जो आपकी घास का पौधा होता है ना, घास का पौधा, ग्रास का पौधा, जब आप उसको उखाड़ेंगे तो उसमें एक जड़ नहीं होती, उसमें छोटी छोटी बहुत सारे जड़ों के गुच्छे होते हैं, और जब बहुत सारी जड़ों के अलग अलग गुच्छे होते हैं तो वो आपकी फाइब्रस रूट होती है, आपस्थानिक रूट होती है। घास, धान का पौधा जो राइस होता है, वीट, वीट का पौधा, गेहूं का पौधा, ये सारे पौधे कैसे होते हैं, ये फाइब्रस रूट होते हैं, इनमें जड़ों के गुच्छे बनते हैं। लेकिन जो टैप रूट होते हैं उसमें एक जड़ मुख्य होती है, बाकी ब्रांचेज उसमें से निकल रही होती हैं। तो क्लियर हुआ मूसला कौन सी है और आपस्थानिक कौन सी है। तो जब घास के पौधे को निकालेंगे तो वो कैसा होगा दोस्तों, वो फाइब्रस होगा, आपस्थानिक होगा। तो ये बात तो यहाँ पर क्लियर हुई। दो तरह के वेनेशन होते हैं, एक होता है आपका पैलर और एक होता है आपका रेटिकुलेट वेनेशन। देखिए जो बनाना की पत्ती होती है और जो घास की पत्ती होती है और जो बैम्बू की पत्ती होती है, उनमें जो वेन्स होती हैं, जो उनमें नलियाँ होती हैं ना पत्तियों में, वो बिल्कुल सीधी सीधी होती हैं। आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये बिल्कुल सीधी सीधी हैं। जैसे द लीव्स ऑफ द ग्रास द वेन्स आर पैलर टू ईच अदर, जो इसमें इनकी नली है वो एक दूसरे के पैलर होती हैं। तो ये कैसा वेनेशन कहलाता है, पैलर वेनेशन कहलाता है। और घास को आप देखेंगे तो उसमें भी कुछ इस तरह का ही होता है। तो घास में किस तरह की पत्तियां होंगी, पैलर वेनेशन की पत्तियां होंगी। रेटिकुलेट कैसी होती हैं, जहाँ पर वेव लाइक होता है, जैसे स्पाइडर अपना जाल बनाता है ना, कुछ इस तरह से एक जड़ ऐसी आई तो फिर वो इस तरह से कट गई, उसकी नलियाँ जो हैं वो इस तरह से कट जाएंगी, तो वो कैसा होता है आपका, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। क्वेश्चन में किसके बारे में पूछ रहा था, घास के बारे में पूछ रहा था। तो घास कैसी हो जाती है आपकी, फाइब्रस रूट हो जाएगी। और घास में जो वेनेशन होगा वो कैसा वेनेशन होगा, समांतर शिराविन्यास होगा, पैलर वेनेशन होगा, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टूडेंट पुट अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक बच्चे ने क्या करा, देखिए डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पहले पानी के अंदर डाला गया। और याद रखिए जब पानी के अंदर हम किसी सब्सटेंस को डाल देते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसने उसकी ड्रॉप को पहले ब्लू लिटमस पेपर पर डाला, उसके बाद रेड लिटमस पेपर पर डाला, ही वुड ऑब्जर्व दैट। तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा ये हमें बताना है। कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की एक बूंद
पहले नीले लिटमस पेपर पर और उसके बाद फिर लाल लिटमस पेपर पर डालता है, वह यह परीक्षण करेगा कि उस पर उसको क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा, ये हमें बताना है। देखिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होगा ना, वो यहाँ पे क्षारक होगा, बेस होगा। NaOH आपका क्या होता है, एक बेस होता है, क्षारक होता है, और जब क्षारक आपके लिटमस के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो वो उसको ब्लू कर देते हैं। इसका मतलब लाल जो पत्र है वो ब्लू हो जाएगा, और ब्लू तो वैसा ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। देयर इज़ नो चेंज इन द ब्लू लिटमस, नीले लिटमस पेपर पर तो कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये ब्लू कलर देता है, और जब हम इसको ब्लू पर ही डालेंगे तो ब्लू ही रहेगा, तो कोई चेंज नहीं होगा ब्लू लिटमस पेपर पर। लेकिन जो लाल लिटमस पेपर है वो कैसा हो जाएगा, वो आपका ब्लू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, याद रखिए। लेकिन एसिड के साथ क्या होता है, एसिड क्या कर देते हैं, ब्लू को लाल कर देते हैं, लेकिन जो क्षारक होते हैं, जो बेस होते हैं, वो लाल को नीला कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच फ्यूल हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू फ्रॉम अमंग द फ्लोइंग, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है, ये हमें बताना है। तो यहाँ सीधा सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। ये हमने नोट्स में पढ़ा था, इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ना, ऊष्मीय मान होता है, वो 150,000 होता है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। पेट्रोल और डीजल का जो ऊष्मीय मान होता है वो 45,000 होता है, 45,000 होता है, और जो कोल है आपका, कोयला है, उसका ऊष्मीय मान आपका 25,000 से 33,000 के बीच में होता है। तो हाईएस्ट यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यू हैव फिनोफ्थनील सॉल्यूशन इन 3 ट्यूब ABC, आपके पास 3 परख नलियां हैं ABC जिनके अंदर क्या डाला हुआ है, फिनोफ्थनील का सॉल्यूशन विलयन डाला हुआ है। ऑन पुटिंग 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन ए जो परख नली है उसमें तो आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला, एसिड डाला, और जो बी परख नली थी उसमें 2-4 बूंदें आपने किसकी डाली, सोडियम हाइड्रोक्साइड की डाली, जो कि आपका क्षारक है और एक बेस है। जो तीसरी टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर आपने डिस्टिल्ड वाटर डाला, आसुत जल डाला, जो कि आपका न्यूट्रल स्टेट में होगा, उदासीन स्टेट में होगा। इफ़ यू इमीडिएटली ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब, अब क्या होगा, परख नली में डालने के तुरंत पश्चात ही यदि आपने प्रत्येक परख नली के विलयन के रंग का परीक्षण करा, उनको ऑब्जर्व करा, यू विल फाइंड दैट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब, तो आप क्या देखेंगे सॉल्यूशनों में, ये हमें बताना है। उन ट्यूब्स में हमें क्या दिखेगा, देखिए फिनोफ्थलीन के बारे में हमने पढ़ा था, फिनोफ्थलीन क्या करता है, बेस का कलर जो है, जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है, क्षारक के साथ रिएक्ट करता है, तो उसका कलर कैसा देता है, पिंक कर देता है। बाकी ये एसिड के साथ और न्यूट्रल स्टेट में, उदासीन स्टेट में कोई कलर चेंज नहीं करता, वहां पर कोई रंग का परिवर्तन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो था वो आपका अम्ल है, एसिड है, तो वहां पर ये रिएक्ट करेगा तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। सेम ऐसे ही सी में होगा, सी में आपका डिस्टिल्ड वाटर है, आसुत जल है, वो भी आपका उदासीन स्टेट में होता है, न्यूट्रल स्टेट में होता है, और उसमें भी फिनोफ्थलीन रिएक्ट नहीं करेगा, वो भी रंगहीन ही रहेगा। लेकिन जो बी है, बी में क्या डाला था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका एक क्षारक है, तो उसमें ये कलर चेंज कर देगा, वहां पर कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, फिनोफ्थलीन जब क्षारक के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो उनका कलर पिंक कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अ ब्लॉक ऑफ आयरन ड्रॉप्ड इन अ वेसल ऑफ वाटर सिंक टू द बॉटम, दिस इज बिकॉज, पानी के बर्तन में लोहे का खंड डाला जाता है और वह तल में डूब जाता है, इसका कारण हमें बताना है। देखिए ये पानी है, पानी में मैंने ब्लॉक ऑफ आयरन डाला और ये नीचे जाके डूब गया, क्यों डूब गया, क्योंकि इसने जो पानी को हटाया होगा, जब ये यहाँ पर आया तो इसने कुछ पानी को डिस्प्लेस करा होगा, पानी को हटाया होगा, और जब कोई सब्सटेंस पानी को हटाता है तो नीचे की तरफ से बुआंट फोर्स लगती है, तो इसने जो पानी हटाया ना उसकी फोर्स कम होगी, यही कारण होगा वो इसको रोक नहीं पाया और ये नीचे जाके डूब गया। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ब्लॉक, ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल, जो जल ब्लॉक ने हटाया वो क्या होगा, इज लेस, वो लेस है देन द वेट ऑफ द ब्लॉक, जो भार था हमारा ब्लॉक का, उसके कंपैरिजन में जो उसने पानी हटाया उसका वेट कम था, यहां पर बुआंट फोर्स कम है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लॉक है वो नीचे डूब जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर 2 प्लैनेट इन आर सोलर सिस्टम विच रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दीज प्लैनेट आर, हमारे सौर परिवार में 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्ण करते हैं, यह ग्रह हैं। देखिए बाकी सारे ग्रह जो होते हैं ना पश्चिम से पूर्व की ओर होते हैं, पृथ्वी भी जो है ना वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्ण करती है, वेस्ट टू ईस्ट करती है, लेकिन जो वीनस और यूरेनस होते हैं ना, ये दोनों ही प्लैनेट आपके ईस्ट टू वेस्ट घूर्ण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये टॉपिक हमने नोट्स में नहीं पढ़े हैं, इसलिए मैंने प्रैक्टिस सेट में इनसे रिलेटेड जितने
भी क्वेश्चन है वो कवर कर दिए हैं और उनको एक्सप्लेन भी कर दिया है, ताकि अगर सीटेट में कोई क्वेश्चन आए तो आप बड़ी आसानी से उसको कर सकें। तो याद रखिए, दो प्लैनेट कौन से हैं जो आपके ईस्ट टू वेस्ट घूर्ण करते हैं, पूर्व से पश्चिम में जाते हैं, वो होते हैं आपके वीनस और यूरेनस। लेकिन याद रखिए, जो पृथ्वी है वो वेस्ट टू ईस्ट घूर्ण करती है, रोटेशन जो करती है वो वेस्ट टू ईस्ट करती है। ये क्या किससे करते हैं? ईस्ट टू वेस्ट। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल फ्लावर बट अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। इसके बारे में आपने सुना भी होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है वरन पुष्पों का एक गुच्छा होता है। तो सीधा सा आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, सनफ्लावर, सूर्यमुखी जो होता है ये एकल पुष्प नहीं होता है, ये बात आप याद भी रखेंगे। ये कैसा होता है? ये ग्रुप ऑफ फ्लावर होता है, तो ये चीज़ याद रखनी है। ग्रुप ऑफ फ्लावर हम किसे बोलते हैं? सूर्यमुखी को बोलते हैं, सनफ्लावर को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस या प्रोसेसेस डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रॉय द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बार मैग्नेट। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रिया या प्रक्रियाएं छड़ चुंबक की चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट करती हैं? तो याद रखिए, अगर आप किसी मैग्नेट को, चुंबक को अगर हीट करते हैं, उसका तापन करते हैं, या फिर उसको बीट करते हैं, उसको पीटते हैं, तो वो क्या होता है? अपनी चुंबकीय विशेषताओं को, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती हैं, वो उनको खो देती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी और सी है यहाँ पर, ये दोनों पॉइंट सही हो जाएंगे, और ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड में दे रखा है, तो यही यहां पर सही हो जाएगा। बाकी आप याद रखेंगे, अगर आप मैग्नेट को दो टुकड़ों में काटते हैं तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय विशेषताओं को नहीं खोती, सील करने पर भी नहीं खोती, सिर्फ तापन और पीटने पर वो अपनी चुंबकीय विशेषताएं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देती है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, चूज द ऑड वन आउट। विषम को यहाँ पर हमें चुनना है, एम्ब्रियो, एग, ओवम, गैमेट, भ्रूण, अंड, अंडाणु और युग्मक दिए हैं। तो यहाँ पर जो अलग हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, एम्ब्रियो होगा, भ्रूण होगा। क्यों? क्योंकि ये मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय है। बाकी जो आपका अंडा होता है, ओवम होता है, और जो गैमेट होता है, गैमेट माने युग्मक, एक मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। ओवम या स्पर्म, ये दोनों ही सिंगल सिंगल सेल ही होते हैं। ओवम तो फीमेल गैमेट होता है, ये भी सिंगल सेल होता है। एग और जो अंडा होता है, याद रखिए, वो भी आपका सिंगल सेल होता है। लेकिन जो एम्ब्रियो होता है ना, ये मल्टी सेलुलर होता है। देखिए, फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, तो वो आपका क्या कहलाता है? जायगोट कहलाता है। और उस जायगोट के बाद आपका क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है, जो भ्रूण होता है। और ये जो भ्रूण होता है ना, ये मल्टी सेलुलर होता है, इसमें एक से ज्यादा कोशिकाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहां पर अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जो हमारा साइंस पेडागोजी से है, साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन, म्यूजिक एंड डांस परफॉर्मेंस एंड स्कूल मैगजीन आर फॉर द विज्ञान और जो कला की प्रदर्शनियां होती हैं, संगीत और नृत्य की जो प्रस्तुतियां होती हैं, और जो स्कूल अपनी पत्रिका निकालता है, मैगजीन निकालता है, वो किस लिए होती हैं? ये सब क्रिएटिविटी के चीज़ें होती हैं, बच्चे की जो सृजनात्मकता होती है उसको बाहर निकालने के लिए होती हैं, और यही हमारी रचनावादी विचारधारा भी होती है, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच भी होती है। तो हमें ये बताना है कि क्यों होती हैं? टू ट्रेन स्टूडेंट फॉर वेरियस स्कूल, ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि हमें अपने बच्चों को जो है दूसरे स्कूलों के लिए तैयार करना है। टू ब्राइटर द नेम ऑफ द स्कूल, जी नहीं, कि बच्चे विद्यालय का नाम रोशन करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टू सेटिस्फाई द पेरेंट्स, पेरेंट्स को संतुष्ट करने के लिए ये सब करी जाती हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। टू प्रोवाइड क्रिएटिव पार्ट टू द लर्नर, जी हाँ, यही सही होगा, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए ही ये सब चीज़ें होती हैं, ताकि बच्चे अलग अलग नई नई चीज़ें करें और जो उनकी क्रिएटिविटी है वो बाहर निकल कर आए, वो अपने आप को अच्छे से प्रस्तुत कर सकें। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज ऑफ टीचिंग इज इन्वॉल्व व्हेन यूजिंग ऑडियो वीडियो एड इन द क्लासरूम सिचुएशन। कक्षा कक्ष परिस्थिति में श्रव्य दृश्य सामग्री प्रयोग में लाते समय शिक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र यहाँ पर सम्मिलित होता है, ये हमें बताना है। देखिए, जब आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को दिखाकर बच्चों को जो चीज़ नहीं पता है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो एड जो सामने है वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, कुछ वस्तुओं को, सामग्रियों को दिखा रहे हैं, और उसके बाद जो चीज़ नहीं है उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? वो आपका मूर्त से अमूर्त होता है, टेंजिबल टू इनटेंजिबल होगा। जो सामने है पहले उसको प्रस्तुत करा जा रहा है, उसके बाद जो नहीं है उसको सिखाने की कोशिश करी जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बाय व्हाट नेम इज द एक्सप्लोरेशन मेथड नोन, अन्वेषण विधि को किस और नाम से जाना जाता है? तो सीधा सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ह्यूरिस्टिक मेथड, इसको ही हम अन्वेषण मेथड भी बोलते हैं। और इसके खोजकर्ता, इसके जन्मदाता कौन है? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग जो है वो इसके जन्मदाता हैं, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सबको जरूर जरूर करना है, और शेयर सबसे ज़्यादा करना है, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।